मैथमेटिक्स अड्डा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और आपके जो भी दोस्त मैथ्स में स्ट्रगल कर रहे हो तो आप मेरा वीडियो उनको शेयर करिए ताकि वो भी मैथ्स को अच्छे तरीके से सीख पाए। और आज हम आगे बढ़ने वाले हैं डिफ्रेंसिएशन के सीरीज में। डिफ्रेंसिएशन का बहुत ही अच्छा प्लेलिस्ट मैंने आपके तैयार कर दिया है और अपने इस चैनल पे फंक्शन भी पढ़ाई हो रहा है, तो आप बिल्कुल कनेक्टेड रहिए इस चैनल से और सीखते रहिए मैथ्स को। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं इन्फाइनाइट सीरीज डिफरेंशिएशन को। आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन देखते होंगे जो इन्फाइनाइट टाइम्स रिपीट होते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि क्या अप्लाई किया जाए या कैसे अप्रोच किया जाए इस तरह के क्वेश्चन को। तो गाइज हम बारी बारी से क्वेश्चन को उठाएंगे और सीखेंगे कि इन्फाइनाइट सीरीज को कैसे सोल्व किया जाए, है ना। तो जो लॉजिक आपको मैं दूंगा और आपको याद रखना है गाइज, तो लॉजिक जो होगा अपना इन्फाइनाइट सीरीज के लिए, है ना, हर एक डिफरेंशिएशन का टाइप के लिए मैंने आपको लॉजिक दिया है, इसके लिए भी लॉजिक दूंगा। तो लॉजिक ये होगा कि आपको पकड़ना है, आपको ये पकड़ना है कि रिपीट कहां से हो रहा है। अब गाइज क्या रिपीट हो रहा है सर, है ना। तो आप देख रहे हैं कि y बराबर x टू दी पावर इन्फाइनाइट में ये सेम पैटर्न आखिर कहां से रिपीट हो रहा है ना। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि ये पूरा एक समुंदर है और समुंदर से आप एक लोटा पानी ही निकाल लो तो क्या फर्क पड़ता है। चलो दो ही लोटा निकाल लिए तो क्या फर्क पड़ा, ये भी तो y ही है ना। तो आप क्या कहना चाहते हैं सर। तो गाइज आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या मैं इन सबके बदले y लिख सकता हूं, क्योंकि ये सेम चीज वापस रिपीट हो रहा है और नीचे में एक x को इसमें इंक्लूड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप मेरे साथ एग्री होते हैं कि हाँ सर आप ये लिख सकते हैं, तो चलिए गाइस लिखते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो अब ये y बराबर x टू दी पावर और इन सबों के बदले मैंने लिख दिया y। अब जैसे ही y लिखा तो आपको यहां पे दिखा होगा कि एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन आ गया। अब गाइस ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको लॉजिक दिया था, अगर आपको याद हो तो, कब दिया था तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जब पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला था कि जब भी एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन दिखे आप एक ही प्रोसेस को करना, टेकिंग लॉग बोथ साइड। मतलब कि क्या करना है गाइस, हमें लॉग ले लेना है। अभी लॉग लेंगे दोनों तरफ, मतलब कि लॉग वाई बराबर लॉग एक्स टू दी पावर वाई, और आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि लॉग एक्स टू दी पावर एन हो जाए तो एन लॉग एक्स। मात्र एक लॉग ही ऐसा चीज है जो पावर को बिना पावर में कन्वर्ट कर देता है। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं गाइज, यहाँ पे उठा के फेंक देंगे तो लॉग वाई बराबर लॉग एक्स, और जैसे ही ये उसको उठा के फेंकेंगे ये बाहर आ जाएगा, मतलब कि इसको लिखेंगे y log x, है ना। अब आपको पता है क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब गाइस log y का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, क्या हो जाएगा, log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अगर x के रिस्पेक्ट में किया जाए तो इसको 1 बाई वाई लिखेंगे, क्योंकि log का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई, और चैन रूल लगाएंगे तो y का भी डिफरेंशिएशन होगा और dy बाई dx, ये आपको याद रखना है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई वाई dy बाई dx। और गाइज अगर आपको y log x का डिफरेंशिएशन करना है तो आपको पता है क्या करेंगे, आप u इंटू v की तरह सोचेंगे,
और इसका u into v का आपको लॉजिक पता ही है क्या, u को बाहर रखते हैं, v का डिफरेंशिएशन यानी log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, और आपको पता ही है कि बीच में हम प्लस साइन लगाते हैं, और क्या करेंगे जल्दी से बताइए, और हम क्या करेंगे इस बार v को बाहर रखेंगे है ना, और डिफरेंशिएशन किसका y का करेंगे, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा। अब अपना नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है ये करने के बाद, कि जो भी dy by dx वाले टर्म है उनको आप एक साइड ले जाइए और dy by dx कॉमन ले लीजिए। मतलब क्या है इसका कि अगर मैं 1 by कॉमन ले लूं प्लस इसको इधर भेजूंगा, इधर प्लस में इधर आके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी माइनस log x dy by dx कॉमन बन गया, और इधर में क्या बच गया गाइस, इधर में खाली y by x बच गया। अब dy by dx के लिए हम क्या करेंगे है ना, ये तो कोई भी बता सकता है कि सर इसको उठा के ऊपर फेंकिए, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके गिरेगा किसमें, डिवाइड में। तो गाइस जैसे ही ये पार्ट जाके यहाँ आया हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया dy by dx का वैल्यू, और यही तो आपको निकालना था है ना। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी कंफ्यूजन होता है कि क्या सर इस y के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे है ना, आप करने को कर सकते हो, गलत बिल्कुल नहीं है, बट ये अगर आप करोगे तो थोड़ा लेंदी देखने में लगेगा है ना, इसलिए आप इसको छोड़ दो, अगर ऑप्शन में आपको ऐसा दिख जाए तो आप पुट करना या रहने देना। तो गाइज होपफुली ये क्लियर हुआ होगा, अपना पहला जो वेरी फर्स्ट स्टेप होता है कि पता करना है लॉजिक कि कहां से रिपीट हो रहा है। जैसे ही हम पता कर लिए हम इसको पूरे के बदले वाई लिख लेंगे, और उसके बाद लॉग के रूल से अपना ये डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करके बन जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो आपको खुद से वीडियो को पॉज कीजिए और इसे ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद आंसर मेरे आंसर से मैच कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स, ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स जाएगा है ना, तो इनफाइनाइट टाइम्स जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, सेम स्टेप बिल्कुल, आप देखिए साइन एक्स यहां से रिपीट कर रहा है, मतलब इस पूरे के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो गाइस इस पूरे के बदले ये हम y को भी लिख सकते हैं है ना। अब जैसे ही रिपीट कहां से किया ये पता चला, मतलब y बराबर हम क्या लिख देंगे साइन एक्स टू दी पावर y। अभी क्या है, एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड है ना। अभी दोनों तरफ जैसे ही आप लॉग लोगे, ये लॉग y और ये क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दू y log साइन x। अभी क्या डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, तो log y का डिफरेंशिएशन मैंने अभी आपको बताया था 1/y dy by dx, और ये हम कैसे सोचेंगे गाइस, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसे हम u की तरह और इसे हम v की तरह सोचेंगे है ना। तो गाइज u की तरह सोचेंगे तो u बाहर रहेगा, और v का डिफरेंशिएशन यानी log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले तो हम log sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x हो जाएगा है ना, और sin x का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, चैन रूल आपको भूलना नहीं है, तो वो cos x ठीक है, और इसका चैन रूल का मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है, आपको वो देख लेना है गाइस। बीच में प्लस लगाएंगे और इस बार भी को हम बाहर रखेंगे और यू का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि dy by dx। अभी अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी dy by dx वाले टर्म है यानी कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों को एक साइड ले आएंगे और dy by dx कॉमन ले लेंगे, मतलब ये है कि dy by dx कॉमन ले ले और ऐसा लिखे तो ये हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं है ना, और इधर में क्या बच जाएगा y, और cos x by sin x को हम क्या बोलते हैं, cot x बोलते हैं।
यानी कि dy by dx बराबर क्या हो जाएगा गाइस, तो dy by dx बराबर हो जाएगा y cot x डिवाइडेड बाय 1 by y माइनस log sin x। तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। और अगर ये आपको क्लियर है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूरा दे रहा हूँ वो आपके लिए होमवर्क है ना। आपको घर पे खुद से सोचना है और कमेंट सेक्शन में आंसर को कमेंट करना है ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शामिल कर लूँ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। दो क्वेश्चन मैं गाइज आपके लिए छोड़ूंगा जो होमवर्क में होगा और आपको घर पे खुद से ट्राई करना है। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप नोट कर लीजिए, होमवर्क के लिए है, ये होमवर्क के लिए है। y बराबर अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x, ये सारा जो प्रक्रिया है वो इन्फाइनाइट टाइम्स जा रहा है। आपको फाइंड करना है dy by dx। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगर आप कमेंट करते हैं तो आपका नाम और आंसर दोनों को शामिल करूंगा। अभी सेकंड क्वेश्चन जो आप नोट कीजिएगा, जो आपको घर पे ट्राई करना है, कि y बराबर x प्लस 1 by x प्लस 1 by x प्लस 1 by x प्लस, है ना, ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है। आपको लिखना क्या है dy by dx का वैल्यू लिखना है।